डिफरेंशिएशन में जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसका हमने क्वेश्चन नंबर वन में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे, जिसके अंदर आपने देखा था इस तरह के क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है उसमें कोई भी फंक्शन है उसके बाहर में फंक्शन होता है, तो ऐसे फंक्शंस को डेरिवेटिव लेने के पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्या फंडा था देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये जो ट्रिक है ये हर एक क्वेश्चन में हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं 2.4 में। ऐसे क्वेश्चन में हम लॉग को दोनों साइड में लेते हैं, जिससे होता क्या है, लॉग ऑफ वाई, यानी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लॉग वाई, और इस पूरे टर्म के पहले हम लॉग देंगे लॉग। ऐसा करने से क्या होता है, लॉग की वजह से क्या होता है, आपको पता है कि अगर कोई भी एक्स रेज टू बी इस तरह से फंक्शन है और इसके पहले अगर लॉग आ जाए, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एक्स का बार बी है इसको आगे यहाँ लेके आ जाएगा और ये हो जाएगा बी इंटू लॉग एक्स। सो लॉग की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसका हमको डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेने के पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग यूज़ कर रहे हैं, लॉग यूज़ करके सिंप्लीफाई करके फाइनली हम डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना है आपको, आपको सिंप्लीफाई करना है। ये ऐसे ही लिखना है, लॉग वाई इज इक्वल टू, ये लॉग अब अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो इसका लॉग लॉग ऑफ कॉस एक्स रेज टू एक्स, ये डिवीजन है, डिवीजन की वजह से माइनस हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होता है, डिवीजन होगा तो माइनस होता है। लॉग अब ये डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, एक्स यहाँ पर पार है कॉस एक्स का, ये पहले आ जाएगा एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस, और ये ऐसे ही रह जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और अंदर भेज सकते हैं बट इसको ऐसे ही रखो, हम लोग डायरेक्ट लॉग लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हमने मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दिया है, अब ये लॉग से जो होना चाहिए था डेरिवेटिव लेते हैं। लॉग वाई का डेरिवेटिव हमेशा याद रखो, लॉग एक्स, लॉग एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स डेरिवेटिव इज वन अपॉन, बट लॉग वाई जब भी होगा लॉग वाई, तो आपको इसी तरह से जैसे लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स है, लॉग वाई का वन अपॉन वाई आएगा, लेकिन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ देखो कि वाई एक्स का एक फंक्शन है, इसलिए अगेन डेरिवेटिव वाई का वापस डेरिवेटिव लेना है डी वाई बाय डी एक्स। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव हमेशा ऐसा आता है, आपको याद रखना है वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, जब भी लॉग वाई आपको दिखे तो आपको इस तरह से करना है वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, ओनली वन अपॉन वाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये x इंटू लॉग एक्स, ये पूरा एक टर्म है, u इंटू वी है, तो u इंटू वी रूल जो था आपको याद होगा, u इंटू वी रूल, इसका डेरिवेटिव जब भी लेते हैं डेरिवेटिव इस तरह से, तो पहले u एज इट इज लिखते हैं, देन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v लेते हैं आप ऐसे ही, और फिर u का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u, सो दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर u इंटू वी। सो यहाँ पर देखोगे x इंटू लॉग कॉस x, तो ये x को u समझो और log cos x को v समझो, u into v अप्लाई करो, कैसे आएगा, सबसे पहले x ऐसे ही रखेंगे, देन log cos x का डेरिवेटिव, log cos x का डेरिवेटिव कैसे आएगा, log ऑफ cos x, देखो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है, तो x की जगह cos x है, तो log cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन cos x, बट x की जगह cos x था, उसका अगेन डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, मल्टीप्लाई कर दिया, तो u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into यानी log cos x, ऐसे ही रखना है, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1, ये हो गया, देन ये माइनस है, अब ये लॉग है, ये देखो ये सेपरेट टर्म था, ये टर्म हमने डेरिवेटिव लिया, ये जो अलग टर्म है इसका भी डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा, ये लॉग ऑफ x, वापस देखो लॉग ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव 1 बाय x, लॉग ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन जो भी है वही आएगा 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर, ये इंटू अगेन इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज ये लॉग ऑफ x के बदले दूसरा ही कुछ है, इसलिए अगेन डेरिवेटिव चेन रूल से, तो देखो वन का डेरिवेटिव जीरो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स डेरिवेटिव इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू आगे आ जाएगा टू एक्स, ये हो गया, आगे सिंप्लीफाई करते वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, सिंप्लीफाई करते एक्स इंटू, देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू वन, ये माइनस पहले थे तो माइनस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, यहाँ पर है प्लस लॉग एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू वन वही हो गया, यहाँ माइनस है, ये वन माइनस टू एक्स इंटू वन हो जाएगा, वन माइनस टू एक्स
into 1 upon a 1 plus x minus x square. Generally ये solve हो गया है, but यहाँ पर देखो ये जो था ये क्या था 1 upon y dy by dx. हम क्या करते हैं dy by dx लिखते हैं यहाँ पर, जो 1 upon y है ये upon y मतलब y divide हो रहा है, इसको उस तरफ लेके जाओ तो y multiply हो जाएगा और ये पूरा bracket में रखो. Last step क्या करना, dy by dx ये जो y है y, y का answer क्या था देखो question में, y value was cos x, जो y है उसको replace करो, cos x raised to x upon यहाँ से 1 plus x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई का आंसर था. अंदर क्या है माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये जो हमारा आंसर फाइनल आ चुका है. अगला क्वेश्चन जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स. अभी इसके अंदर भी देखोगे यहाँ पर एक फंक्शन है उसके पार में दूसरा फंक्शन है, ऐसा जब भी होगा तो हमारा जो ट्रिक है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वो सेम फॉलो करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. एग्जाम में ये आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये लॉग वाला ट्रिक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. यहाँ पर लॉग लोगे लॉग वाई, यहाँ ऑलरेडी लॉग है उसका भी लॉग लेना पड़ेगा, लॉग ऑफ द सेम थिंग यानी लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स इस तरह से. अब होगा क्या, सिंपली लॉग वाई ऐसे ही कॉपी कर लो, ये जो साइन एक्स है वो आगे आ जाएगा साइन एक्स इंटू, और ये जो लॉग है उसकी वजह से ये जो पावर है वो आगे आ गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स ये हो चुका है. क्या किया हमने फिर से देखो, ये वाई के साथ लॉग आ गया लॉग वाई, और ये जो पूरा फंक्शन के पहले लॉग था इस लॉग की वजह से जो पावर था वो आगे आ गया. हर बार की तरह हम सेम कर रहे हैं. अब क्या करना है, सिंप्लीफाई हो गया डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. हर बार पहले आप सिंप्लीफाई करो देन उसके बाद आपको ये करना, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है. इसके बाद नाइन्थ के बाद टेंथ इलेवेंथ ये दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही करना. अब ये लॉग वाई, ये देखो लॉग वाई वन अप, इसका डेरिवेटिव वन अपन वाई डी वाई बाय डी एक्स. जैसे मैंने आपको बताया जब भी लॉग वाई होगा तो इसको याद ही कर लो यही डेरिवेटिव है. देन अब ये देखो ये यू इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये वी समझो यू और ये वी समझो, यू इंटू वी का डेरिवेटिव आपको मालूम है कैसे फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ. यू साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, मैं डेरीवेटिव लिख के दिखा था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ पर. यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस प्लस वी यानी क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू साइन एक्स. अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स. ध्यान से देखो लॉग ऑफ जो समझो एक्स है तो लॉग ऑफ एक्स क्या होता है वन अपॉन एक्स, बट एक्स की जगह पर लॉग एक्स है, लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या वन अपॉन लॉग एक्स इंटू, लेकिन यहाँ पर एक्स से बदले जो लॉग एक्स उसका अगेन डेरिवेटिव वापस डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स उससे मल्टीप्लाई, ये हो गया. ये जो है ऐसे रहेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ जो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. अब कहीं पे भी डेरिवेटिव बचा नहीं है डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया फाइनल आंसर. अब क्या करना है देखो, यहाँ पर जो ये होता है डी वाई बाय डी एक्स इसके साथ में वन अपॉन वाई होता है. हर बार लास्ट में क्या करना है, ये जो वाई है वन अपॉन वाई में वाई डिवाइड हो रहा है वन में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये डी वाई बाय डी एक्स ऐसे ही रखना है, वाई है वाई का क्वेश्चन का जो वैल्यू था वाई का लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, इसको वाई की जगह रिप्लेस कर देना है एंड ये जो भी है ये कॉपी कर लेना है. इसको सिंप्लीफाई करते साइन एक्स इंटू वन साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू एक्स एक्स लॉग एक्स ऐसे आ गया. इसको कॉस एक्स को पहले लिख लो कॉस एक्स इंटू, क्योंकि मल्टीप्लाई वो आगे पीछे कर सकते हैं. ओके सो इस तरह से ये फाइनल आंसर है. आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई यानी लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद जो पावर होता है उसको आगे ले लेना लॉग के पहले, देन डेरिवेटिव निकालोगे. डेरिवेटिव जो है मोस्ट ऑफ यू इंटू वी आई इस तरह से जो भी फॉर्मूला आप लगा करना है, और यहाँ का जो वाई होता है वन अपन वाई उसको आपको इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करना हर बार, और वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के रखना. फिक्स स्टेप से हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, ऐसे ही करना है बार बार करना है, तो कॉपी करो. नाउ इलेवेंथ एंड टेंथ, टेंथ क्वेश्चन जो था इलेवेंथ ये नाइन्थ के जैसा ही और ट्वेल्थ के जैसा ही है, मैं ट्वेल्थ बता रहा हूँ आप लोगों ध्यान से देखो.
y is equal to sin x minus cos x to the power sin x plus cos x. कैसे करना है? बिल्कुल उसी तरह से करना है, taking log on both side. दोनों साइड में आप log ले रहे हो, क्या हो जाएगा? देखो y है वो log y हो जाएगा, यहाँ पर इसका log हो जाएगा पूरे टर्म का, जो भी था वो था sin x minus cos x उसका पार sin x plus cos x. थोड़ा सा लंबी लंबी लाइन आएगी, आपको उस तरह से रखना है स्पेस. अब ये log y है, सिंप्लीफाई करते log अंदर जाएगा तो क्या होगा? देखो ये दिस टू द पार दिस है, तो ये क्या करना है? इसको log की वजह से आगे लाना है. ये sin x plus cos x पार में वो आगे आ जाएगा, हो जाएगा sin x plus cos x इंटू log, ये आगे आ गया इंटू log ये sin x minus cos x. सिंप्लीफाई हो गया. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y है हर बार की तरह 1 अपन y dy by dx. ये जो है ये u समझ सकते हो, u इंटू v रूल आपको पता है, मैंने बार बार बताया, उस रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे. क्या था? देखो सबसे पहले u एज इट इज sin x प्लस cos x एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस. डेरीवेटिव में लिख रहा हूँ यहाँ पर डेरीवेटिव ऑफ log sin x माइनस cos x, फिर प्लस जो सेकेंड वाला है वो एज इट इज log sin x माइनस cos x इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरीवेटिव d अपॉन डी एक्स sin x प्लस cos x. ये हमने कर दिया u इंटू v रूल से, एक्सपांड कर दिया इसको u इंटू v. कैसे करेंगे? देखो अब यहाँ पर 1 अपॉन y इसको ऐसे ही रख दो, ये sin x प्लस cos x है, इसके पहले dy अपॉन dx नहीं है, डेरीवेटिव नहीं लेना, इसको ऐसे ही रख दो sin x प्लस cos x. ये इस तरह से हो गया. अब देखो ये जो log sin x माइनस cos x, इसके पहले d अपॉन dx इसका डेरीवेटिव लोगे, ये log है, log की वजह से क्या होगा? log x होता है 1 अपॉन x, ये log है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेम थिंग sin x माइनस cos x, बट ये log x के बदले ये पूरा है तो इसका वापस डेरीवेटिव लोगे, अगेन डेरीवेटिव लेंगे तो आ जाएगा sin x का डेरीवेटिव cos x और माइनस cos x का डेरीवेटिव cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा इस तरह से. प्लस ये एज इट इज़ रखना है बिकॉज इसके पहले डेरीवेटिव नहीं लिखा हुआ है, sin x माइनस cos x. अब ये जो डेरीवेटिव इसका लेना पड़ेगा, sin x का डेरीवेटिव cos x प्लस cos x, तो cos x का डेरीवेटिव माइनस sin x. ये हमने कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया. अच्छा ये जो 1 अपॉन y है, 1 अपॉन y y डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दो dy बाय dx. अब y का जो आंसर था वो ये था, यहाँ पर sin x माइनस cos x रेज टू sin x प्लस cos x, पर पूरा ब्रैकेट करेंगे हम लोग, ये पूरा ब्रैकेट आएगा जब y मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दिया. अब ये पूरा ब्रैकेट है वो बाहर है पूरा, यहाँ पर देखोगे sin x प्लस cos x है, यहाँ पर भी cos x प्लस sin x है, एग्जैक्टली देखा जाए तो दोनों भी sin x प्लस cos x है, तो ये दो बार है मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं उसको स्क्वायर कर देते sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर, और नीचे जो बचा है वो है sin x माइनस cos x प्लस. यहाँ पर ये देखो ये log वाला टर्म है और इसमें log नहीं है, अलग है, हमने इसका डेरिवेटिव, इसको पहले लिखो, जो log वाला है उसको कभी भी लास्ट में रखना चाहिए. ये वाला टर्म हो गया इंटू दिस log sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x. सो इस तरह से, और ये जो y था उसकी वैल्यू ये है. काफ़ी लंबा सॉल्यूशन आया बट जो भी आएगा वो आपको लिखना चाहिए. ये फाइनल डेरिवेटिव हो गया इसका 12th का. नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, y इज इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x. एक इस अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके जैसा 14 और 15 भी है, मैं ये बताता हूँ तो वो आ जाएगा आपको. इसको करना कैसे है? देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे अंदर कि ये x रेज टू x रेज टू x है, सो आप जो करते हो वही करो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड. टेकिंग log ऑन बोथ साइड करने पर यहाँ पर y जो है इसका log आ जाएगा log y, और इसका भी log हो जाएगा log ऑफ x टू द पार, यहाँ पर x के पार में आप करोगे x रेज टू x. अब होगा क्या अगले स्टेप में? log y तो है, ये जो x के पार में है x रेज टू x, ये log की वजह से आगे आ जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा x रेज टू x, और यहाँ पर आ जाएगा log x. आप ऐसे समझ रहे हो, x रेज टू x था वो log के पहले आ गया, मल्टीप्लाई पार में था इसलिए पहले आ गया, इंटू log ऑफ x. ओके
तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये है। अब होगा क्या, सिंप्लीफाई हो गया है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो ये स्टेप, लॉग वाई का डेरिवेटिव हमेशा की तरह वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, या यू इंटू वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, यू इंटू वाई, यू एक्स रेस्ट टू एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट टू एक्स, ये आ चुका है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये जो है एक्स रेस्ट टू एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। ये स्टेप करने के पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं इस तरह से, इक्वेशन नंबर वन। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें क्या है, यहाँ पर एक्स रेस्ट टू एक्स आपको दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव हमको चाहिए। डायरेक्ट डेरिवेटिव तो यहाँ नहीं आएगा, एक्स रेस्ट टू एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, फंक्शन का बार फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, एक्स रेस्ट टू एक्स है ना, उसको लेट यू इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू एक्स ऐसा कंसिडर करते हैं अलग से, और इसका जो डेरिवेटिव हमको चाहिए डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस्ट टू एक्स वो अलग से निकाल के लेते हैं। जैसे हम लोग ये दिए हुए क्वेश्चन को वाई ले रहे थे, कभी यू वी भी अलग से ले सकते हैं। ये जो फंक्शन है एक्स रेस्ट टू एक्स, उसको हमने यू कंसिडर किया। अब इसका दोनों साइड में लॉग लो, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस्ट टू एक्स। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये जो एक्स है वो आगे आ जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव लोगे तो लॉग यू का डेरिवेटिव डी यू, सबसे पहले लॉग यू है तो वन अपॉन यू आएगा, फिर डी यू अपॉन डी एक्स आएगा इज इक्वल टू एक्स इन, देखो यू इंटू वी करना पड़ेगा, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यानी वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी वन। ये हो गया एक्स, एक्स कैंसिल वन आ गया। यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स, ये वन अपॉन यू का यू यहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर क्या बचा एक्स एक्स कैंसिल वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन लॉग एक्स, और फाइनली डी यू बाई डी एक्स हमें जो मिला है वो यू, यू की जगह पर आप रखते हैं एक्स रेस टू एक्स, और यहाँ मिलता है वन प्लस लॉग एक्स। तो ये हमने क्या किया है, फाइनली ये जो डी ये यू है डी यू अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू हमने फाइंड की। तो फ्रॉम वन वापस से लेते, फ्रॉम वन आगे इसको कंटिन्यू करते, जो हम कर रहे थे वो क्या था, देखो डी वाई बाई डी एक्स, और इसके पहले जो वन अपॉन वाई है ये वाई को यहाँ पर लाके कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, एक्स रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर लॉग एक्स एज इट इज है लॉग एक्स, और इंटू क्या है एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव मतलब डी यू अपॉन डी एक्स, और वो आया है एक्स रेस टू एक्स, ये जो आंसर आया है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो ये हमें मिल चुका है फाइनली। अब देखो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई, वाई का जो आंसर था यहाँ से वैल्यू था एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स। अच्छा यहाँ पर देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स रेस टू एक्स प्लस के दोनों तरफ है, यहाँ भी है यहाँ, उसको भी कॉमन ले लो एक्स रेस टू एक्स, अब अंदर बच जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, इस तरह से ये फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर आपने देखा जो ये क्वेश्चन था वाई वो तो आ ही रहा है और एक आ रहा है एक्स रेस टू एक्स, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स है उसके लिए हमने अलग से कंसिडर करके उसका डेरिवेटिव निकाला, और उसको आप नंबर दे सकते हैं यहाँ पे टू, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, हमने सब्स्टिट्यूट किया। इस तरह से आपको जो 13 के बाद 14, 15 भी है उसमें भी ऐसा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कॉपी करो। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, अगेन जो क्वेश्चन नंबर वन थे वो अगर आपको आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर टू भी आपको सारे आ जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखो कि वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू ए, दूसरा क्वेश्चन भी साथ में करते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ए प्लस ए रेस टू ए। तो करना क्या है, चलो मैं सेकेंड आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि वन टू थ्री फोर, फोर टर्म्स हैं यहाँ पर y के अंदर। तो एक इस तरह से होता है कि अगर u प्लस v है, दो अलग अलग फंक्शन बीच में प्लस है या माइनस है, उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx, तो हम लोग को क्या करना होता है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेना होता है। u का डेरिवेटिव ले लिया, फिर v का डेरिवेटिव ले लिया, इस तरह से जब भी बीच में प्लस या माइनस होगा। तो अगर u इंटू वी है
यानी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है तो आप यू इंटू वी रूल अप्लाई करते हो, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू. अगर यू अपॉन वी है तो यू अपॉन वी रूल होता है, वो अप्लाई करना होता है. बट बीच में अगर प्लस है दो फंक्शन के या माइनस है तो हम लोग सीधे सीधे दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं. ये बेसिक फंडा है. तो अब यही कंसेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं और आगे करने वाले हैं. देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स है 4 उसका अलग अलग डेरिवेटिव हमको लेना है. यहाँ देखो ए रेस टू ए दोनों कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. एक्स रेस टू ए यहाँ फंक्शन एक्स रेस टू ए, एक्स रेस टू एन फॉर्मूले से आ जाएगा. ए रेस टू एक्स का भी फॉर्मूला होता है उससे आ जाएगा. बट एक्स रेस टू एक्स ये अलग है. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन में कैसा था वो एक्स रेस टू, इसको हमको अलग से लेना चाहिए. यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, इसको लेट कर लो, लेट यानी एज्यूम माना. ये जो है इसका डेरिवेटिव अलग तरीके से लॉग तरीके से करना है. कैसे करना है देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे ही करना है. ये हो जाएगा इसका लॉग यू और इसका लॉग एक्स रेस टू एक्स. देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये एक्स आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पर है लॉग यू. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा लॉग यू है तो 1/u डेरिवेटिव ऑफ यू, यू इंटू वी है तो एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यानी 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1. यानी हमने यू इंटू वी रूल अप्लाई किया. यहाँ पर ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, ये 1/u था वो इस तरफ आया तो u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स आया, और ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स. यू जो था यहाँ पर हमने लिया था एक्स रेस टू एक्स, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ये सेम वही है. और अगर आप चाहो तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो कि एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी याद करके रख सकते हो, बट यहाँ पर हमको दिखाना चाहिए ये. अब आगे देखो हमारा जो क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन वापस से लेते. वी हैव जो हमारा क्वेश्चन था वो लेते, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ए प्लस ए रेस टू ए. ये हमने क्वेश्चन लिख दिया. अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. जैसे हम ये लिखते हैं तो ये y हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y, और यहाँ पर सबका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सबके पहले d अपॉन डी एक्स लिख दो इस तरह से. इस जैसे d अपॉन डी एक्स सबके पहले लिख देना, मतलब उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं. ए रेस टू एक्स का हो गया, देन इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू ए, देन डेरिवेटिव ए रेस टू ए, सबका ये डेरिवेटिव हो चुका है. अब आगे देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स रेस टू एक्स डेरिवेटिव ये हमने अलग से निकाला. यहाँ पर देखो एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला, और वो आया है एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स. ओके, तो ये यहाँ पर हमको लिखना है फ्रॉम दिस इज इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 ही हम लिखेंगे अभी यहाँ पर. अब ये देखो ऐसा फॉर्मूला है बेसिक, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, डेरिवेटिव फार्मूला. एक्स रेस टू ए है तो ए पहले आ जाएगा, ए एक्स रेस टू ए माइनस 1, एक्स रेस टू एन वाला जो फार्मूला होता है ये फार्मूला यहाँ पर ए एन की जगह पर ए दिया हुआ है, प्लस ए रेस टू ए ये कॉन्स्टेंट है, इसमें एक्स है ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव 0. फ्रॉम 1 हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये जो था ये हमने 1 से लिया था. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो है एज इट इज रहेगा एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स ए रेस टू एक्स लॉग ए प्लस ए इंटू एक्स रेस टू ए माइनस 1 प्लस 0 हम नहीं लिखेंगे. तो ये हमारा आ चुका है डेरिवेटिव फाइनल आंसर फॉर दिस. अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन वो भी ऐसे ही देखो, ये है और ये ए रेस टू ए, तो आपको क्या करना है इसको कंसिडर करना है यू, ये हमने किया फिर इतना तो सेम रहेगा ये, और फिर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जैसे इसमें लास्ट में था, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका जो डेरिवेटिव वही आएगा और प्लस 0 हटाएंगे. तो ये दो क्वेश्चन हो गए. आगे इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है यही करना है आपको, जितने भी टर्म्स है सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के वहाँ पर प्लेस कर देना. अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट और सेकेंड देखा था उसके बाद जो क्वेश्चन है देखो 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर 2 के पहले जो 1 क्वेश्चन नंबर किया था जिसके अंदर लॉग का यूज़ करके हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे, सेम टेक्निक से ये सारे क्वेश्चन है. इसमें अलग क्या है, जैसे मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया कि 4 टर्म्स है प्लस करके आए तो हम उनको किस तरह से अलग अलग लेके डेरिवेटिव लेंगे. यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टेन एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स. करना क्या है इसको, पहले आप ये ई रेस टू टेन एक्स है तो ये सिंपली डेरिवेटिव आ जाएगा. यहाँ पर ये जो लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स है ये फंक्शन का फंक्शन है,
इसको आप u कंसीडर करो अलग से और इसका डेरिवेटिव निकाल दो अलग से इक्वेशन नंबर वन, देन इसका आपको डेरिवेटिव निकालना। फोर्थ में देखोगे log x रेस टू x, ये इसको u कंसीडर करके इसका डेरिवेटिव निकाल दो अलग से, x रेस टू log x इसको भी अलग से v लेना v और इसका डेरिवेटिव निकालना, फिर बाद में इसके अंदर वो सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है sin x रेस टू tan x, ये आप u कंसीडर करो, u ले लो इसको और अलग से डेरिवेटिव निकालो, cos x रेस टू sec x इसको v समझ लो और v समझ के इसको अलग से डेरिवेटिव निकालो, बाद में दोनों के डेरिवेटिव को यहाँ पर आंसर में रख देना। ये भी सेम उसी तरह से सिक्स्थ वाला। चलो सेवन्थ की बात करते हैं, सेवन्थ को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, सेवन्थ आ जाएगा, ये सब तो आ ही जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स, यहाँ पर एक फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्री का यानी साइन एक्स है, उसका भी फंक्शन है x पार में, log x डायरेक्ट डेरिवेटिव वन अपन x आता है, इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा। log x रेस टू tan x, ये भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन रेस टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जैसे इसको आपने u कंसिडर किया था इसको v कंसिडर कर लेना और इसका अलग से डेरिवेटिव निकालना। देन x रेस टू a, ये सिंपल x रेस टू n टाइप है उसका फॉर्म, इन दोनों का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट ये दोनों अलग है, तो इन दोनों को मैं किस तरह से कर रहा हूँ वो देख लो, सेम उसी तरह से ये ऊपर के सारे क्वेश्चन करने बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते लेट, ये जो पहला है u लेते इसको साइन एक्स रेस टू एक्स, और जैसे हम कर रहे थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वैसे ही करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो आपको ये मिल जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, और रेस टू एक्स है वो हम आगे ले लेते डायरेक्ट। अब डिफरेंशिएटिंग कर दे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, लॉग u है हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स, देन ये हो जाएगा u इंटू वी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स, वो हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स, और इसके बाद क्या हो जाएगा साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, फिर प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज वन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वन अपॉन यू, यहाँ चला गया यू इंटू हो गया एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यानी ये कॉट एक्स हो गया, और प्लस ये है लॉग ऑफ साइन एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो यू की वैल्यू यहाँ पर रख के, कैसे आएगा देखो, ये था डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पर यू इंटू है, यू क्या है हमारा साइन एक्स रेस टू एक्स, वो लेते साइन एक्स रेस टू एक्स, अंदर ब्रैकेट में क्या है देखो एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये हमारा फाइनल जो है फर्स्ट जो था ये साइन एक्स रेस टू एक्स, इसको हमने यू कंसिडर किया था और उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका डायरेक्ट आ जाएगा ये देखो, इसको लेना पड़ेगा, इसको वी लेते लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स, लेट v इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स, बिल्कुल ऐसे ही करना है लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स, इसको हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कैसे आ जाएगा देखो लॉग ऑफ v, यहाँ पर इसका लॉग और यहाँ पर लॉग देंगे हम लॉग ऑफ दिस लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स, ये रेस टू टेन एक्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं ये टेन एक्स यहाँ पर आगे आ जाएगा, जो tan x है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, tan x यहाँ पर आगे आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log v हो जाएगा वन अपॉन v डेरिवेटिव ऑफ v, ये u इंटू वी अप्लाई करो tan x u इंटू डेरिवेटिव दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा log ऑफ log x है तो वन अपॉन log x, फिर log x का अगेन डेरिवेटिव वन अपॉन x प्लस log ऑफ log x, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ये जो वी था वो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई वी, ये हो जाएगा टेन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस ये सेक्स स्क्वायर एक्स को पहले ले लो कभी भी याद रखो इस तरह से लॉग ऑफ लॉग एक्स। अच्छा यहाँ पर अब देखो वी है, इसको फाइनली ये जो वी है वी की वैल्यू क्या थी लॉग एक्स टेन एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स जो v है वो है log x रेस टू टेन एक्स, और ये है टेन एक्स एक्स log x ये हो गया। अभी तक हमने क्या किया
हम लोग कर रहे थे ये सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन में ये एक टर्म था इसको यू कंसिडर करके हमने उसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है। देन ये जो था वी था उसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है अलग से, इसको आप नंबर दे सकते हैं नंबर टू, इसको ओरिजिनल जो है इसको नंबर वन देते क्वेश्चन को टू, और ये जो है थ्री, वन टू थ्री। अब क्या करना है फ्रॉम वन डिफरेंशिएटिंग वन कर सकते हो ऐसे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन इस तरह से आप कर सकते हो, जो इक्वेशन वन था इसको डिफरेंशिएट कर दे तो y डेरिवेटिव आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ यानी dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेश टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस दिस डेरिवेटिव ऑफ log x रेश टू टेन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ, सबके पहले मैंने d बाई डी एक्स दे दिया जो भी था वो। अब फाइनली उसका आंसर देखो, ये जो साइन एक्स रेश टू एक्स है वो कहाँ था, ये था ये, इसको हमने u कंसिडर किया था और उसका आंसर ये आया था, वो लिखना है यहाँ पर साइन एक्स रेश टू एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये आ गया है ब्रैकेट हमने ऐसे यूज़ किया है, वही ब्रैकेट यूज़ करूँ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स हो गया, फिर लॉग लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स वो हमने वी कंसिडर किया था और उसका जो भी आंसर आया था वो यहाँ पर लेना, ये लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स इंटू ब्रैकेट टेन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ये इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये आ गया, और लास्ट में प्लस एक्स रेश टू ए, ये एक्स रेश टू एन टाइप है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स रेश टू ए मतलब ए आगे आ गया और एक्स रेश टू ए माइनस वन, तो ये पूरा जो है आंसर हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, जो डेरिवेटिव हमने निकाला इसमें फोर अलग अलग टर्म्स थे, वन टू थ्री फोर, इसमें से ये और ये जो था ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स थे उसको अलग से निकाल के अलग से दो डेरिवेटिव आया, और ये दोनों सिंपल थे लॉग एक्स और एक्स रेस टू ए, उसको डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव लेके वहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर ये दोनों जो निकाला वो टू और थ्री था, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए फ्रॉम टू एंड थ्री। तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो आप खुद से करो एट वाला, बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर वन के सारे क्वेश्चन अच्छे से किए तो टू में सब कुछ वही है, रिवर्स है, सिर्फ ये दो दो बार तीन तीन बार दिया उसको अलग से करके ऐड करना है, कॉपी करो इसको।